हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज इंडिया में। तो आज हम जानेंगे ब्लैक पैंथर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लेपर्ड, जैगुआर और पैंथर के बीच का फर्क जान सकते हो। तो अंत तक देखना इस वीडियो को। आपने जंगल बुक और मोगली की कहानियों के बारे में सुना ही होगा, जिसमें मोगली के माँ बाप के रूप में ब्लैक पैंथर को दिखाया गया है बगीरा के किरदार में। इसके अलावा मशहूर मार्वल्स की कॉमिक बुक में सुपर हीरो के रूप में ब्लैक पैंथर का किरदार दिखाया गया है। किस्से कहानियों से हटकर अगर हम बात करें तो ब्लैक पैंथर यानी के काला चीता, ये तेंदुए और जैगुअर से मिलती जुलती प्रजाति है जिसे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रेयर माना जाता है। कई देशों में ब्लैक पैंथर को लुप्त हो चुकी प्रजाति माना जाता है, लेकिन जबकि कुछ कुछ जगह कई सालों के इंतज़ार के बाद ब्लैक पैंथर की तस्वीरें देखने को मिलती है। ब्लैक पैंथर को लेकर समय समय पर कई तरह के दावे और टिप्पणी की गई है। सन 1788 में जीन क्लाउड डेला मैथेरी ने ब्लैक पैंथर का वर्णन किया था। इसके बाद 1801 में पराग्वे की पराना नदी के पास कुछ स्थानीय लोगों ने ब्लैक पैंथर को देखने का दावा किया था। इसके बाद 1809 में जॉर्ज कुवियर ने ब्लैक पैंथर का जिक्र किया जिसे जावा इंडोनेशिया से लाया गया था। ब्लैक पैंथर बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। कई किस्से कहानियों में नज़र आने वाला ब्लैक पैंथर एक ताकतवर शिकारी और चालाक जानवर होता है, लेकिन असल में ये कोई नहीं जानता कि इसका रंग काला क्यों होता है और ये किस प्रजाति से ताल्लुक रखता है। ब्लैक पैंथर धरती के सबसे रहस्यमय शिकारियों में से एक है जो रात के अंधेरे में शिकार करता है। ब्लैक पैंथर कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि ये बिल्ली की ही एक बड़ी प्रजाति है। रियलिटी में ये काले कोट मतलब ये काले रंग वाला लेपर्ड या जैगुअर है। इस तरह के जानवर को मेलेनिस्ट या मेलेनिज्म कहा जाता है, जो अपने निवास स्थान और हालात की वजह से अपना रंग और जीवन शैली में बदलाव करते हैं। ब्लैक पैंथर घने जंगलों में रहता है और सिर्फ रात के समय शिकार करता है। रात के वक्त एक्टिव रहने के लिए इसका काला रंग इसकी काफ़ी मदद करता है। ब्लैक पैंथर से मिलती जुलती प्रजाति हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है, जिन्हें स्नो लेपर्ड कहा जाता है। ये सफ़ेद रंग के होते हैं। ब्लैक पैंथर की त्वचा काफ़ी लचीली होती है, जिसमें हल्के भूरे पीले रंग के धब्बे होते हैं। हालांकि दूर से देखने पर पैंथर पूरी तरह से ब्लैक नज़र आता है, लेकिन उनके ब्लैक कोट के अंदर ये पीली धब्बेदार डिज़ाइन बनी होती है। अगर दो काले रंग के पैंथर ब्रीडिंग करते हैं तो बेबी पैंथर का रंग गहरा काला होगा। अगर दो पैंथर ब्रीडिंग कर रहे हैं उनमें से एक भी पैंथर पीले रंग का हुआ तो बेबी पैंथर पीले धब्बे वाला ही होगा। अब इनके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ब्लैक पैंथर एक बड़ी जंगली बिल्ली है जिसका शरीर लचीला और मजबूत होता है और पूंछ लंबी होती है। इनकी आंखें हल्की पीली या हरे रंग की होती है जो रात में चमकती है। इनका वजन 60 से 70 किलो तक होता है और इनकी ऊंचाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके शरीर की लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। ब्लैक पैंथर में गंध सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है, जिससे ये शिकार तक आसानी से पहुंच जाता है। ब्लैक पैंथर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, जबकि इसकी छलांग 6 मीटर तक होती है। वैसे तो ब्लैक पैंथर 12 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कैद में रहने वाले पैंथर 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। पर कैद में रहने की वजह से पैंथर काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, इन्हें कैद में रखना ठीक नहीं है। ब्लैक पैंथर का मूल निवास स्थान अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के घने जंगल है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं से दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये इंडिया के कुछ स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे आसाम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटका के जंगलों में। ब्लैक पैंथर छोटे जानवरों को खाना पसंद करते हैं, ये बेहद फुर्ती से शिकार करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ब्लैक पैंथर बंदर, पक्षी और उनके अंडे खाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं। वो लगभग 4 से 5 दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं। अगर ब्लैक पैंथर ज़्यादा भूखे होंगे तो ये बड़े जानवर पर हमला करने से भी नहीं चुकेंगे, जैसे गाय, भैंस और बड़े हिरन।
इन्हें पेड़ों की टहनियों पर सोना पसंद है और ये दिन के वक्त आराम करते हैं। दोस्तों, अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो हम लेपर्ड, जैगुअर और पैंथर तीनों को टेंडवा ही कहते हैं। हालांकि ये तीनों भी स्पीशीज एक दूसरे से अलग है। ठीक ऐसे ही पैंथर वर्ड भी स्लांग बन चुका है। नॉर्थ अमेरिका के लोग माउंटेन लायन को, जिसका नाम कॉगर है, उधर उसे पैंथर ही कहा जाता है, और साउथ अमेरिका में अगर ब्लैक जैगुअर दिख जाए तो वहाँ उसे ब्लैक पैंथर ही कहते हैं, और अफ्रीका में अगर ब्लैक लेपर्ड दिख जाए तो उसे भी ब्लैक पैंथर बोल दिया जाता है। तो लोग पैंथर वर्ड को एक स्लांग की तरह यूज़ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये तीनों भी स्पीशीज के जो स्पॉट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। इन्हें पहचानने का तरीका ये है, लेपर्ड के शरीर पर इस तरह के धब्बे होते हैं और जैगुअर के शरीर पर इस प्रकार के धब्बे होते हैं। और अगर पैंथर की बात की जाए तो पैंथर के शरीर पर ऐसे धब्बे होते हैं। अगर पैंथर ब्लैक भी होगा तो इस तरह के धब्बे ज़रूर होंगे उसके शरीर पर, दूर से दिखाई नहीं देंगे। ये धब्बे देखने के लिए आपको ब्लैक पैंथर के करीब जाना होगा या हाई रिजोल्यूशन कैमरे से देखना होगा। ब्लैक पैंथर बहुत रेयर होते हैं, कई सालों में मुश्किल से नज़र आते हैं। अफ्रीका के केन्या में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा के बाद ब्लैक पैंथर दिखाई दिया था। इससे पहले ये माना जा रहा था कि ये प्रजाति लुप्त हो चुकी है। अगर इंडिया की बात करें तो ओडिशा में साल 1993 में पहली बार ब्लैक पैंथर की प्रजाति देखी गई थी। फिर इसके बाद साल 2018 में छत्तीसगढ़ के जंगलों में ब्लैक पैंथर की एक झलक देखने को मिली थी, जंगल में लगाई गई CCTV की एक फुटेज में। और अभी हाल ही में ब्लैक पैंथर को कर्नाटका के कबिनी फॉरेस्ट में देखा गया है। ब्लैक पैंथर लंबे लंबे वक्त में अपनी झलक देते रहते हैं, जिससे लोगों में उम्मीद बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि ब्लैक पैंथर कभी लुप्त ना हो। इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑन भी ज़रूर कर देना, ताकि मेरी आने वाली अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।